पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में आला अफसरों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान में कहीं कोई ढिलाई नहीं हो। कमल पटेल ने कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 से 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन सप्ताह में हर पात्र हितग्राही को उसके घर पहुंचकर लाभ दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र और जिन परिवारों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है आयुष्मान कार्ड देंगे। 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विधवाओं को पेंशन मिलने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही गाँव में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ दिलाया जाएगा। आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों के सुपोषण के लिए कार्यवाही होगी और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा इस दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है 25 दिसंबर को। भारत सरकार और प्रदेश सरकार सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाएंगे। सुशासन का मतलब होता है कि लोगों को जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की केंद्र और प्रदेश की वो किस जिन लोगों के लिए है, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए, उनको घर बैठे वो सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो। और इसके लिए मैंने हरदा जिले में आज कलेक्टर सीओ और अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में हम इसको मनाएंगे। आपकी समस्या का हल आपके घर, यानी घर पहुंच सेवा शासन प्रशासन के माध्यम से दिलवाएगा। हर विभाग के अधिक कर्मचारी जो वहां स्थानीय पंचायत सचिवालय जैसे रहता है वो जाएंगे घर में और सर्वे करेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, मुखिया से एक दिन के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके नाम, जन्म तारीख, उनके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उसके अलावा जाति उनकी क्या है, तो जाति प्रमाण के पत्र के लिए पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, कलेक्टर भटकते रहते हैं लेकिन कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते, इसलिए घर पहुंच उनका फार्म भरवाना और वहीं उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज कर उनको देना। इसी प्रकार विकलांग, दिव्यांग अगर है उसको अगर दिव्यांग पेंशन मिलती है लेकिन उनका मेडिकल नहीं होता, कई लोगों को पता नहीं होता, तो उनका सर्वे करके उनके मेडिकल करा के उनके प्रमाण पत्र बनाना ताकि उनको पेंशन चालू हो जाए। कल्याणी माताएं विधवा हो जाती है, हमारी माताएं बहने 10-10, 20-20 साल होंगे लेकिन कहीं 5 साल हो गए, कहीं 2 साल होंगे, पेंशन नहीं मिल रही उनको, अब उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज वही गाँव में पूरी करके और उनको दिलाने का काम करना, इस प्रकार की व्यवस्था। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, नामांतरण, बंटवारा, वनवासियों को, आदिवासियों को उनके जमीन पर, वन भूमि पर कब्जा लेकिन मालिकाना हक नहीं, उनको दिया पट्टा नहीं मिला, उनको पट्टे दिलाना, फोती नामांतरण बंटवारे, जो भी किसान की या गांव के लोगों की समस्याएं हैं, आयुष्मान कार्ड, सारी समस्याएं लिखकर वहीं घर पर देकर आने का काम हमारे कर्मचारी अधिकारी करेंगे और इसका अभियान चलेगा और ये 1 सप्ताह में सारी समस्याओं का निराकरण घर पहुंचकर उसके बाद में हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको वितरण करने का काम करेंगे ताकि न तो उनका डीजल जले, न उनको भटकना पड़े, न उनका कहीं पैसा लगे। ये सब काम एक अभियान के रूप में निशुल्क सेवा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती सप्ताह के तहत हरदा जिले में किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।